Welcome to our YouTube channel Knowledge of Friends. Subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. आज हम लोग HPC की क्लास 24 करेंगे. क्लास 23 हम लोग कर चुके हैं. स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर 24. दैट इज आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट 3 शुरू कर दिया. यूनिट 2 कल की क्लास तक 23 क्लासेस तक खत्म हो चुका है. आज क्लास 23 में हम लोग करेंगे क्लस्टर कंप्यूटिंग की. क्लस्टर कंप्यूटिंग क्या होता है? क्लस्टर कंप्यूटर एंड इट्स आर्किटेक्चर. क्लस्टर कंप्यूटर क्या होता है और इसका आर्किटेक्चर क्या होता है, उस पर डिस्कस करने वाले हैं आज के क्लास में हम लोग. स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. अ क्लस्टर इज अ टाइप ऑफ अ पैरेलल ऑल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग सिस्टम. जो क्लस्टर होता है वो एक टाइप का आपका पैरेलल हो चाहे डिस्ट्रीब्यूटेड हो, दोनों ही प्रोसेसिंग सिस्टम होता है. विच कंसिस्ट अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड स्टैंड अलोन कंप्यूटर वर्किंग टुगेदर एज अ सिंगल इंटीग्रेटेड कंप्यूटिंग रिसोर्स. मतलब बहुत सारे कंप्यूटर एक सिंगल कंप्यूटिंग रिसोर्स की तरह वर्क करते हैं एंड परफॉर्म करते हैं एक पर्टिकुलर टास्क. अगर ये दो तीन कंप्यूटर हैं मान लो, तो ये जब लास्ट में वर्क देंगे तो एज इंटीग्रेटेड एज अ वन रिसोर्स दे परफॉर्म. उसके बाद आते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट पे. दैट इज अ कंप्यूटर नोड कैन बी अ सिंगल और मल्टी प्रोसेसर सिस्टम. एक कंप्यूटर नोड जो है वो सिंगल भी हो सकते हैं, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम भी हो सकता है विद मेमोरी. इसके साथ मेमोरी होना चाहिए, इनपुट आउटपुट फैसिलिटीज होना चाहिए और ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर उसके अंदर अवेलेबल हैं तो ऑब्वियस ये बात है वो कंप्यूटर नोड जो है वो सिंगल और मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में परफॉर्म कर सकता है विद द हेल्प ऑफ दीज टाइप्स ऑफ हार्डवेयर. ओके, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. दैट इज अ क्लस्टर जनरली रिफर्स टू टू और मोर कंप्यूटर नोड्स कनेक्टेड टुगेदर. तो जो क्लस्टर होता है वो नॉर्मली क्या होता है कि जो कंप्यूटर्स होते हैं उनके नोड्स एक से ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, इसी वजह से क्लस्टर कहा जाता है. उसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे. दैट द नोड कैन एग्जिस्ट इन अ सिंगल कैबिनेट. जो नोड्स होते हैं वो सिंगल कैबिनेट में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं और भी फिजिकली सेपरेटेड और कनेक्टेड वाया लैन. और अगर अगर फिजिकली सेपरेट है तो भी हो सकते हैं, अगर कनेक्टेड है बाय अ लैन. लैन इज लोकल एरिया नेटवर्क. ठीक है, इसके थ्रू भी अगर कनेक्टेड है तो भी हो सकता है. नेक्स्ट आते हैं आपका द टिपिकल आर्किटेक्चर ऑफ अ क्लस्टर इज डिस्क्राइब. जो टिपिकल आर्किटेक्चर होता है हमारा क्लस्टर का वो मैंने आप बताया है, उसको एक्सप्लेन करते हैं आपको. देखिए यहाँ पे सिक्वेंशियल एप्लीकेशंस है. ये जो मैंने आगे बनाया हुआ है ये भी सब सिक्वेंशियल एप्लीकेशन ही है आपकी. ये सब सिक्वेंशियल एप्लीकेशन है. तो ये सारी ये सिक्वेंशियल एप्लीकेशन एक सिक्वेंस में लगी हुई है. ये पैरेलल एप्लीकेशन ये पैरेलल ही लगी हुई है. ये ऊपर है, ये नीचे है, सारी अलग अलग आपकी प्रोग्रामिंग एंड एनवायरनमेंट के साथ लगी हुई है. ये पूरी ये पैरेलल ही चल रही है. तो पैरेलल एप्लीकेशन है और इधर आपका क्या है, सिक्वेंशियल एप्लीकेशन है. अब ये जो इसके बीच में आता है दैट इज अ क्लस्टर मिडलवेयर. क्लस्टर मिडलवेयर आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को आपको याद रखना है. क्लस्टर मिडलवेयर जो है वो आपका सिंगल सिस्टम इमेज एंड अवेलेबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है. यहाँ पे SSI जिसे इन शॉर्ट सिंपल सिस्टम को कहते हैं हम लोग SSI जो है वो रहता है और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में अवेलेबिलिटी रहती है, इसलिए क्लस्टर मिडलवेयर से कहते हैं. उसके बाद आता है आपका PC वर्क स्टेशन होगा जिस पे आप परफॉर्म कर रहे हो, कंप्यूटर PC जो भी आपका होगा. PC वर्क स्टेशन इधर भी ये सारी चीज़ें सेम रहती हैं सारी कैटेगराइजेशन में, बिकॉज सब लोग अलग अलग है. लाइक क्लासरूम में लाइक ये कोई कंप्यूटर यूज़ कर रहा है, ये एक ये एक और एक ये, तो ऑब्वियसली वे सब अलग अलग परफॉर्म करेंगे एंड देन लास्ट में वो ज्वाइन हो जाएंगे. उसके बाद उनके पास एक कॉमन सॉफ्टवेयर होता है, ये भी इनके पास भी कॉमन सॉफ्टवेयर है, इनके पास भी कॉमन सॉफ्टवेयर है, इनके पास भी कॉमन सॉफ्टवेयर है. उसके बाद आते हैं कि नेटवर्क इंटरफेस. तो नेटवर्क इंटरफेस हार्डवेयर इनके पास भी है, नेटवर्क इंटरफेस हार्डवेयर इनके पास भी, नेटवर्क इंटरफेस हार्डवेयर इनके पास भी और नेटवर्क इंटरफेस हार्डवेयर इनके पास भी. मतलब सबका अलग अलग सॉफ्टवेयर, एक कॉमन सॉफ्टवेयर है और हार्डवेयर है सबके पास. नेटवर्क इंटरफेस NIC या NIH बोल सकते हैं आप उसको. PC वर्क स्टेशन सबके पास है. अलग क्लस्टर मिडलवेयर में सब कंबाइन होगा बाय थ्रू SSI एंड अवेलेबिलिटी इन्फॉर्मेशन. तभी लास्ट में जब इंटीग्रेशन आप लोग का होता है सबका, सारे कंप्यूटर्स का, कि जिससे हमें एक पर्टिकुलर रिजल्ट पे आ जाए, बिकॉज सबका अलग अलग निकाला गया है. हाई स्पीड नेटवर्क और स्विच. जो स्विच होता है ये हाई स्पीड नेटवर्क होता है. अब ले मान लो ये नीचे से चलती हूँ,
तो जब आपको हाई स्पीड नेटवर्क अवेल किया जाता है या स्विच अवेल किया जाता है, तो ऑब्वियसली नेटवर्क इंटरफेस हार्डवेयर कनेक्ट होते हैं, सारे कॉमन सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट होता है, देन पीसी वर्क स्टेशन। जब ये तीनों कनेक्ट हो जाते हैं तो परफॉर्म होता है क्लस्टर मिडलवेयर, दिस इज SSI दैट इज सिंगल सिस्टम इमेज एंड अवेलेबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मिला होता है, तब वो सिक्वेंशली एप्लीकेशन को परफॉर्म करता है ना पैरेलली प्रोग्रामिंग को परफॉर्म करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी वो एक तरह का क्लस्टर का कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, मैंने लिखा हुआ है क्लस्टर कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि मैंने सिंपल फॉर्म में इसको बनाया हुआ है कि जिसको आप आसानी से याद हो सकता है और एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में आप आराम से लिख सकते हो उसको। इसलिए प्लीज़ इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो क्लास आज के लिए थैंक यू, होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव अ थम्स अप एंड गिव योर सजेशन और अ कमेंट बॉक्स। थैंक यू।